हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसमें आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड टॉपिक था दी आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, उसको हम लोग पढ़ रहे थे। और दी आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन में हम लोगों को आगे जाना है, उसमें जहाँ तक हम लोगों ने ख़त्म किया था, जो किस तरीके फ्रेंच असेंबली सेपरेट होकर के एक अलग अपना कम्युनिटी फॉर्म करती है अपने आप को, जो थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेड उन्होंने अपने आप को क्या किया, नेशनल असेंबली डिक्लेयर किया था। ठीक है, इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो हमने देखा था कि वहाँ पे जो दो लोग थे, मराब्यो आबेशी, जो कि इसमें से एक नोबिलिटी कम्युनिटी फिर था, एक क्लेरगी कम्युनिटी फिर था, वो लोग भी इस मूवमेंट में या इस रिवॉल्यूशन में प्रॉपर तरीके से उन्होंने लीड किया, क्योंकि उनको लगता था कि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के द्वारा किया जा रहा है वो इनजस्टिस है, अनजस्टिस है, गलत है। ठीक है, तो आबेशी उस मराब्यो का हमने देखा था कि मराब्यो क्या करता है। मराब्यो जो था, जो कि एक नोबल फैमिली में बॉर्न हुआ था, और उसको ये लग रहा था कि सोसाइटी में जो फेडरल प्रिविलेज है वो ख़त्म होने चाहिए, और उसने एक जर्नल, एक मैगजीन लिखा था, और जिसमें उसने वर्सायल में गैदर जो क्राउड था उसको काफ़ी अच्छे से उसने कन्विंस किया था अपने पावरफुल स्पीच से। आगे हम लोग देखते हैं आबेशिए ओरिजिनली अ प्रीस्ट, ओरिजिनली एक प्रीस्ट था, मतलब यानी कि चर्च कम्युनिटी से बिलोंग करने वाला था। रोट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट, पैम्पलेट क्या होता है, आप नीचे में देखते हैं जो पर्चा टाइप का आता है वो पैम्पलेट है, तो उस पैम्पलेट में इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट, मतलब काफ़ी ऐसी बातें लिखी गई जो कि लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकें, उस पैम्पलेट का नाम दिया व्हाट इज द थर्ड स्टेट, उसको उसने पब्लिश किया। वाइल द नेशनल असेंबली वाज बिजी एट वर्सायल ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन द रेस्ट ऑफ फ्रांस सीटेड बिट टर्मोइल, वाइल द नेशनल असेंबली, ठीक है, तो जब नेशनल असेंबली बिजी थी किस चीज़ में, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में, द रेस्ट ऑफ फ्रांस, तो बाकी का फ्रांस टर्मोइल यानी कि पैनिक कंडीशन से गुजर रहा था। अ साइबर विंटर हैड मीन द बैड हार्वेस्ट, साइबर यानी खतरनाक, गंभीर, कड़कड़ाती हुई सर्दी पड़ने की वजह से क्या होता है, हार्वेस्ट बेकार हो जाती है, बैड हार्वेस्ट होता है। द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज, जो स्टेबल डाइट था उसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है। ऑफन बेकर्स एक्सप्लॉइट, बेकर्स ने क्या किया, बेकर्स एक्सप्लॉइट द सिचुएशन, मतलब सिचुएशन का बेनिफिट लेना है, सिचुएशन का फ़ायदा उठाया, जैसे कि आपने देखा भी लॉकडाउन के ड्यूरेशन में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी सप्लाई को होल्ड कर लिया, जमा कर लिया, जिससे कि आगे महंगे होने पर उनको सेल करेंगे, तो वही होता है कि जो बेकर्स थे उन्होंने सिचुएशन को एक्सप्लॉइट किया, ठीक है, या उस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया एंड होल्डेड सप्लाई, सप्लाई को रोक लिया, ठीक है, जमा कर लिया, स्टोर कर लिया, यानी कि स्टॉक कर लिया। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यू एट द बेकरी, बेकरी में लॉन्ग क्यू यानी कि लंबी लंबी लाइन लग रही थी, और आफ्टर स्पेंडिंग लॉन्ग आवर, काफ़ी लंबा समय गुजर गया, लोग लाइनों में लगे हुए हैं, क्राउड्स ऑफ एंग्री वुमेन, तो होता क्या है, एक एंग्री वुमेन का जो क्राउड था स्टॉर्म इन टू द शॉप, शॉप में स्टॉर्म यानी कि शॉप को तोड़ फोड़ देते हैं गुस्सा होकर के। एट द सेम टाइम, ऐसी सिचुएशन में द किंग ऑर्डर ट्रूप्स, किंग ट्रूप्स को, आर्मी को ऑर्डर देता है टू मूव इन टू पेरिस, कि पेरिस की तरफ मूव करें ऑन 14 जुलाई को, एगिसरेट क्राउड यानी कि एंगर जो क्राउड है, गुस्से वाला क्राउड है, स्टॉर्म एंड डिस्ट्रॉय द बास्टिल, तो बास्टिल फोर्ट को जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था उसको क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इन द कंट्री साइड, विलेज एरिया में रूमर्स स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज, विलेज टू विलेज रूमर स्प्रेड होती है, टू दैट द लॉर्ड्स ऑफ द मैन्योर, मैन्योर यानी कि जो लैंड्स है, लैंड्स के जो लॉर्ड हैं यानी कि जमींदार लोग हैं जिनके पास जमीन है, हैड हायर्स बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड, उन्होंने क्या किया है, बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स यानी कि एक तरीके से गुंडे लोग हायर किए हैं, ठीक है, मतलब यानी कि एक तरीके से जो 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 क्रॉप है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्होंने बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स हायर किए हुए हैं, हु वर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप, जिनकी राइप क्रॉप को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं, ये रूमर्स स्प्रेड होती है विलेज एरिया में। कॉट इन अ फ्रेंजी ऑफ फियर, तो फ्रेंजी ऑफ फियर यानी कि डर की वजह से, या उनको लगता है कि ऐसा होने वाला है तो डर की वजह से एक एग्रेशन आता है, पीजेंट्स इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के जो पीजेंट्स होते हैं, सीज हो इन पिचफॉक्स एंड अटैक शटायु, ठीक है, तो वहाँ पे जो सेबल डिस्ट्रिक्ट्स के जो पीजेंट थे वो कुदाल, ठीक है ना, कुल्हाड़ी, पिच फॉक्स ये लेकर के, जो शाटू है यानी कि उसको अगर प्रिटेंशन करें वो ठीक है चटायु पढ़ते हैं लेकिन इसमें तो उसको शाटू, ठीक, तो इसमें ये जो फोर्ट शेटू फोर्ट था उस पर अटैक कर देते हैं। अब शेटू फोर्ट क्या था, द लूटेड होर्डेड ग्रेन, वहाँ पे जो स्टोर ग्रेन था उसको उसको होल्ड कर जो उसको लूट लेते हैं,
एंड बर्न डाउन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ मैनोरियल ड्यूज। और मैनोरियल ड्यूज यानी कि जो बाकी बचे हुए उनके जो मैनोरियल ड्यूज का जो जो उनके ऊपर जो लोन था उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे उसको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो जो शैडो फोर्ट है उस पर लोग अटैक करते हैं, वहाँ पर जो ग्रेन स्टोर था, होर्डेड था, उसको वो लोग क्या करते हैं, उस ग्रेन को लूट लेते हैं और जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको जला देते हैं। ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स फ्लीड फ्रॉम देयर होम्स, तो बहुत सारे जो नोबल्स थे वहाँ से फ्लीड फ्रॉम घर से भाग जाते हैं। मैनी ऑफ देम माइग्रेटिंग टू नेबरिंग कंट्री, बहुत सारे लोग तो नेबरिंग पड़ोसी कंट्रियों में माइग्रेट हो जाते हैं, यहाँ से चले जाते हैं। फेस्ड विद द पावर ऑफ हिज रिवोल्टिंग सब्जेक्ट, जब किंग को लगता है कि नहीं यार रिवॉल्यूशन तो बहुत खतरनाक होता है, तो फिर लुई 16 फाइनली अकॉर्डेड रिकॉग्नाइजेशन टू द नेशनल असेंबली। अकॉर्डेड मतलब एक्सेप्ट करना, रेडी हो जाना, एग्री हो जाना, जो नेशनल असेंबली का जो रिकॉग्नाइजेशन उसकी डिमांड है उसको लुई 16 मान लेता है। एंड एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल की दैट हिज पावर वुड फ्रॉम नाउ ऑन बी चेक्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि उसके जो पावर हैं अब वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा चेक किए जा सकते हैं, यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में काम करेगा, इस चीज़ के लिए रेडी हो जाता है। ऑन द नाइट ऑफ 4th of August 1789 को द असेंबली पास्ड अ डिक्री एबोलाइजिंग द फेडरल सिस्टम ऑफ ऑबलाइजेशन एंड टैक्सेस। ठीक है। ऑन द नाइट ऑफ 4th of August 1789 की नाइट में असेंबली पास्ड अ डिक्री, असेंबली एक डिक्री यानी कि लॉ पास करता है, उस लॉ में क्या था, एबोलाइजिंग द फेडरल सिस्टम ऑफ ऑबलाइजेशन एंड टैक्सेस। उस 4th of August 1789 में एक जो डिक्री बनता है, एक जो रूल बनता है, उसमें डिसाइड किया गया कि किसी को भी फेडरल सिस्टम यानी कि जो पुराना सिस्टम है उसको ख़त्म कर दिया जाता है, टैक्सेस जो केवल थर्ड रजिस्टर को पे करने पड़ रहे थे वो सिस्टम ख़त्म कर दिया जाता है। मेम्बर्स ऑफ द क्लैरगी, जो क्लैरगी कम्युनिटी के मेम्बर्स थे, मेम्बर्स ऑफ द क्लैरगी टू वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेज, उनको भी जो प्रिविलेज थे वो प्रिविलेज भी उनके गिव अप हो जाते हैं, प्रिविलेज उनको छोड़ने पड़ जाते हैं। टाइथ जो कि रिलीजियस टैक्स था, बर एबोलाइज यानी कि उसको ख़त्म कर दिया, एंड लैंड्स ऑन बाई द चर्च, चर्च के द्वारा जिस लैंड पे ओनरशिप थी, जो लैंड जिस लैंड पे चर्च ने अपना क्लेम किया था, वर कन्फिस्केटेड, उसको भी सीज कर लिया गया, कैनेडियन असेंबली ने अपने अंडर में ले लिया। एज अ रिजल्ट, इसका रिजल्ट निकलता है, गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स वर्थ at least 2 billion libre, तो इतने में ही क्या होता है 2 billion libre तक का एफर्ट, एंड 2 billion libre का अरेंजमेंट इसी के थ्रू हो जाता है। ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि किस तरीके से हमारी जो फ्रेंच फ्रांस था उसका सोशियल इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, और सोशियल इकोनॉमिक कंडीशन ने, बैड हार्वेस्ट ने किस तरीके से रिवॉल्यूशन को जनरेट किया, इसको हम लोगों ने आज के लेक्चर में देखा, आगे हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं। ओके ओके, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।